एक मैया मरने लगी, कुत्ता आके मैया का मुंह चाटने लग गया। अब वो कुत्ते को देखते देखते तय हो गई, मेरे बाद मेरे कुत्ते का क्या होगा। तो वो खुद कुत्ते की पत्नी बनकर आ गई। अंते यामति सागति, मरते समय आपका मन जैसा होता है, यदि कुत्ते में लगा है तो आप कुत्ता बनोगे, पैसे में लगा है तो आप सांप बनोगे, पत्नी में लगा है तो आप स्त्री बनोगे, पुरुष में लगा है आप पुरुष बनोगे। इसलिए कहते हैं कि मरते समय सबसे मन हटे और केवल भगवान में मन लगे, तब सदगति होती है, वरना ये चक्कर चलता रहता जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इसलिए मरते समय सावधान रहने की जरूरत है। आजकल आदमी सावधान नहीं है मरते समय, बूढ़े बूढ़े लोगों को सावधान रहना चाहिए, ज्यादा हाय हाय नहीं जब केवल भगवत चिंतन। और आजकल के ना कुछ बूढ़े ज्यादा ही उलझे रहते हैं, आजकल के तो कुछ लोग 70-70 साल में शादियां कर रहे हैं मरने के टाइम। हाँ या ना, नहीं कर रहे हैं। इसलिए मन भगवान में लगाओ, शादी वादी समय से कर लो, बच्चे बच्चे समय से पैदा कर लो और सबको सेटल कर दो और आप भी भगवान के चरणों में सेटल हो जाओ। यही समझदारी है, बुढ़ापे में चित्त भटकाओगे दुर्गति होगी। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हो मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, आँटों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। मरते समय क्या होना चाहिए? सावधान। मरते समय क्या होना चाहिए? जोर से क्या मैया, क्या होना चाहिए? सावधान। सावधान हो जाइए, अटेंशन प्लीज। सावधानी हटी दुर्घटना, सावधानी बहुत जरूरी है। मरते समय कोई शोर शराबा ना हो, किसी का रोना धोना ना हो। लेकिन आजकल तो आदमी मरा मरा नहीं है, मरने की स्थिति में है कि रोने धोने वाले पहले आते, हा 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 खूब तरीके से रोते। और हमारी मैया लोग कैसे रोती हैं, कहाँ चले गए, हा हा हा, कब आओगे, हा हा हा। ऐसे रोती है, हाँ या ना, है ना, कहाँ चले गए भैया, हा हा हा। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, हा हा हा।
ऐसे काहे रोती हो मैया, कौन सिखाता तुम्हें ये सब रोना धोना? है ना, पुरानी जो माताएं रहने बूढ़ी बूढ़ी ऐसी रोया करती थी, ऐसा लगता था हंस रही है अंदर से, ठीक मरा ससुर मरा कहाँ चले गए बाबूजी, हा 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 ऐसा कर रहे, आधा रो रही आधा हंस रही है बैलेंस करके। और ये रोने वाले ना पहले आते हैं, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, रेल से उतरते हैं ट्रेन से और वहीं स्टेशन में कंगी वंगी करते हैं। हम कुछ माताएं तो लिपस्टिक लगाए उतर के, और फिर जब द्वार के पास आए तो जैसे ही द्वार के पास आते जाएंगे वैसे इनका रोना तेज होता चला जाएगा। और कुछ लोग इतना भाव दिखाते हैं कि मरते हुए आदमी के ऊपर गिर जाते हैं, वो तुम्हारे गिरने से मर जाए भले। है ना, इसलिए रोने वालों को बाहर बिठाओ और मरते हुए व्यक्ति को एकांत में रखा करो, सामने भगवान का चित्र होना चाहिए। सब लोग बैठकर कीर्तन करो, कीर्तन सुनते सुनते भगवान का नाम उसके कान में जाएगा और भगवान का नाम सुनकर मरेगा तो उसकी सदगति होगी। तुलसी का पत्ता मुंह में डालो, गंगा जल डालो, कीर्तन करो, रोया मत करो, रो लेना अभी मर जाए तब रोना, अभी मरा नहीं है और रोने लग गया अभी मत रो। तुम्हारे रोने से नुकसान ये है कि कहीं मरने वाले का मन तुम्हारी ओर आ गया कि देखो हमारे बिना लोग कितने दुखी हैं। और सुनो, तुम्हारे मरने में जो रोते हैं ना, ये कोई दुखी उखी नहीं है, ये सब 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। एक और ले आ भैया, ये तो रिवाज है भाई, रोते हैं लोग, परंपरा है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं, औपचारिकता व्यवहार, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप हैं या मर गए, ये तो लोग अपना व्यवहार चुकाने आते हैं ना। क्यों भैया ये बताओ, आपके मरने में जो लोग आएंगे वो काहे आएंगे, व्यवहार तुम उनके मरने में गए होगे तो वो तुम्हारे मरने में आ रहे हैं, ये व्यवहार है। और तुम चले जा रहे हो हमारे लिए रो रहे हैं सब, कोई नहीं रो रहा है, तुम मरो आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम अपनी दुर्गति ना करो, लोगों के चक्कर में ना रहो। घर वालों को भी चाहिए कि एकांत में रखो, मरने के पहले कीर्तन में बिठाओ लोगों को, चलो कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नाम सुनकर मरेगा निश्चित उसका कल्याण होगा। गीता पढ़ने वाला कोई हो तो गीता का श्लोक सुनाओ मरने वाले को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार कीजिए, हम आ रहे हैं आपके पास, ऐसा भगवान को आवाहन करना चाहिए, पुकारना चाहिए। लेकिन आप कुछ नहीं करते सिवाय रोने के, रो लो क्या मिलेगा रोने धोने से, ये क्या होगा इससे। ना तो तुम्हारे रोने से मरा हुआ जिंदा होगा, ना तो तुम्हारे रोने से किसी को शांति मिलेगी, बस तुम अपनी तसल्ली कर लोगे कि रोए। अच्छा, रोना भी चाहिए कब, लिखा हुआ है कि जब पिता मर जाता है तो पिता के मृत्यु पर उसके पुत्र को रोना चाहिए, कहां, शमशान में, जब वो अपने पिता की चिता पे आग लगाए उसके बाद वो खूब रोए,
जब कपाल क्रिया करे, कपाल मोचन की क्रिया, सिर फोड़ कर घी डाला जाता है शमशान में, और जब वो क्रिया हो जाए उसके बाद चिंघाड़ करके पुत्र को रोना चाहिए आकाश की ओर देखते हुए, अपने पिता को याद करके रोना चाहिए। उस समय उस बेटे की आंखों से जो अश्रु निकलते हैं वो अश्रु तर्पण का काम करते हैं, वो अश्रु बहने चाहिए। तो रोने का भी विधान है, पर कहां? शमशान में, वो क्रिया के बाद। लेकिन अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो बस एक आदत है, बस रो, उनको लगता रोएंगे तो सब देखेंगे कि हम भी आए हैं। आजकल तो लोग रो रो के हाजिरी लगाते हैं अपने, ज्यादा रोएंगे तो हमारी तरफ लोग ज्यादा देखेंगे। कुछ बहुएं सास मरती है ना, तो कुछ बहुएं रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं ना बेहोश हो रही हैं, सास जिंदा थी गिलास भर पानी नहीं पिलाए, हम मर गई तो देखो नाटक कितना बढ़िया कर रही है। जिंदा थी सास तो खुशी खुशी रोटी नहीं खवाई कुछ बहुओं ने, दो वक्त की रोटी और गिलास भर पानी नहीं पिलाया, बूढ़ी अम्मा का सम्मान नहीं किया, मर गई तो देखो कितना बढ़िया रो रही है। सास के मरने पे कुछ बहुएं बेहोश हो जाती हैं, हाँ या ना? तो नाटक करे ना बहुत आसान है। आप भूलिए मत कि सारा नाटक भगवान देखते हैं। आज मैं तो कहता हूं मरने के बाद मत रोइए, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आप जिंदा हैं तो मैं आपकी सेवा करके, आपका सम्मान करके मैं आपको इतना प्रसन्न कर लूं कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। मैं अपने माता पिता के जीते जी खूब सेवा करूं, मेरे माता पिता खूब प्रसन्न रहें मेरे से, और मैं सेवा करूं उनकी, और जब शरीर पूरा हो तो रोने की जरूरत ना पड़े। हमने जीते जी अपने कर्तव्य पूरे किए क्या? जीते जी वाले कर्तव्य तो किए नहीं, रोने वाला कर्तव्य करने बैठ गए, तो रोने से होगा क्या? रोएगा तो दुश्मन भी तुम्हारे मरने पे, क्या बुराई है इसमें? भाई मरने के बाद तो वो लोग भी रोते हैं जिनका आपसे कोई संबंध नहीं होता, पर आपने क्या माता पिता की सेवा करके प्रसन्न किया? यदि आपने सेवा करी है तो आपको रोने का अधिकार है। आपने मां बाप के जीते जी सेवा तो की नहीं, पानी तो दिया नहीं, सम्मान तो किया नहीं, तो अब रोते काहे हो? ये नाटक तुम्हारा भगवान बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसलिए आपका हर कर्म ईश्वर की डायरी पे नोट होता है। मेरा हिसाब तो कहता है कि जीते जी माता पिता की सेवा करेगा जो, उसी को रोने का अधिकार है। आप क्या कहते हैं बताओ? जो सेवा ना करे केवल रोए, क्या वो अच्छा है? सेवा करी नहीं, रो रहे हैं आगे बैठ के फ्रंट में, और रो रो के बेहोश हो रहे हैं, क्या सही है? आप बताओ भैया, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप लोग ही बताओ। क्यों भैया, क्या सही है? कुछ भी सही नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सेवा ना करो और केवल रो, और कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो सेवा करेगा उसी को रोने का अधिकार है? बाकी लोग काहे रो रहे हो भाई तुम? जो बेटा सेवा नहीं करता उसे रोने का अधिकार नहीं है मां और बाप के मरने पर, जो बहू सेवा नहीं करती उसे रोने का अधिकार नहीं है अपने सास ससुर के मरने पर, है? और यदि रोए तो फिर ये नाटक है, इसी को कहते हैं पाखंड। आप लोग कहते हो ना साधु जी बाबा जी पाखंडी है, केवल बाबा जी नहीं, आजकल ये जो आप करते हो क्या ये पाखंड नहीं है? क्या आज के कुछ गृहस्थ लोग पाखंडी नहीं है? क्यों मेरी मां,
सेवा ना करना केवल रोना, ये पाखंड है या नहीं? बोलो भैया आप पाखंड है? करते हो सेवा अपने माँ बाप की? नहीं करते हो? कहाँ माता पिता आपके, सेवा नहीं करते हो? पाँव नहीं दबाते माँ के? पानी नहीं देते माँ को? भोजन नहीं देते? काहे भैया हैं? हाँ वो अपने अपने से कर रही है? नहीं वो तो अपने से कर रही है तो अच्छा है, पर आपको भी तो सेवा का भाव रखना चाहिए। अच्छा यानी कि अलग कहानी चल रही है। छह बेटे हैं आपके? आप गौरी को पालना चाहती हो? छह बेटे हैं आपके और ये आपका बेटा तो बगल में बैठा है। ये तो कहता है कि मैं करता हूं, मेरी मां को विश्वास नहीं है। अब आप ना मां को समय पे भोजन दिया करो, समय पे पानी दिया करो, और मैया आप भी अपना चुपचाप बच्चों का सेवा बच्चों की ले लिया करो। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने मां बाप की सेवा करें, और मां बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सेवा को स्वीकार करें। मां बाप को भी समझ कर चलना चाहिए और बच्चों को भी संभल कर चलना चाहिए। दोनों के लिए आवश्यक है बातें।